नमस्कार, मंडल न्यूज में आपका स्वागत है। आज रविवार को दोपहर के इस विशेष बुलेटिन में बिजीलैंड के लगभग 12 दुकानों में कल देर रात चोरों द्वारा एक साथ सेंध लगाए जाने की सनसनीखेज जानकारी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत है। विदर्भ के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट बिजीलैंड में कल रात एक साथ 12 दुकानों में चोरों ने सेंध लगाए जाने से व्यापारिक क्षेत्र में फिर एक बार खलबली मच गई है। एशिया में पहचान बन चुके विदर्भ के तीन बड़े कपड़ा मार्केट सिटीलैंड, बिजीलैंड और ड्रीमलैंड, इनमें से सिटीलैंड और बिजीलैंड अक्सर चोरों का निशाना बनते रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अब तक सिटीलैंड और बिजीलैंड इन दोनों कपड़ा मार्केट में कई बार रात में डकैती हुई, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस अब तक किसी भी मामले में चोरों तक नहीं पहुंच सकी है। कल रात का ताजा मामला एक साथ 12 दुकानों में डकैती का रहा, जिनमें साया फैशन, राज तिलक प्रीतम फैशन, हार्दिक एनेक्स, साई कृष्ण अपरल, ज्योति पाइप, वेंकटेश बैग्स, श्याम पारवा, साहेब कॉट सूट, महाराजा फैशन दुकान के अलावा बिजीलैंड कार्यालय में भी चोरों ने अपना निशाना लगाया। इस बार चोरों ने सेंध लगाने का नया तरीका ढूंढा और दुकान के शटर के बाहर दोनों तालों के बीच लोहे की रॉड घुसाकर शटर को टेढ़ा किया और भीतर घुसे। कमाल की बात यह भी रही कि इस मार्केट में व्यवस्थापकों ने मार्केट की सुरक्षा के लिए लगभग 2 दर्जन गार्ड रात में तैनात कर रखे हैं, लेकिन घटना के समय सीसीटीवी फुटेज में एक भी कार्ड आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। नांदगांव पेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह जैसे ही दुकानों में डाका लगाने का मामला सामने आया तो नांदगांव पेट पुलिस पहुंची और एक दुकान में चोरी की जानकारी मिलने के बाद लौट चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे दुकानदार आते गए पता चला कि एक साथ 12 दुकानें फोड़ी गई है। पुलिस के खोजी कुत्ते और पुलिस विभाग के आला अफसर भी घटनास्थल पर पहुंचे। जिन दुकानों में सेंध लगाई गई है उनके मालिक चोरी कर उड़ाई गई रकम का सही सही पता नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक प्राथमिक अंदाज के अनुसार लाखों रुपए चोरों ने निशाना बनाकर उड़ा ले गए। दुकानों के मालिकों ने बताया कि यह घटना रात 2 से 4 बजे के बीच की हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज रात 3:30 बजे के बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी में अलग अलग दुकानों में सेंध लगाने वाले 4 चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी को जब्त कर लिया है। यह भी बता दें कि इसके पहले भी सिटीलैंड में कई बार रात के अंधेरे में डकैती के कई मामले हुए हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी मामले में चोरों तक नहीं पहुंची है। इसके पहले जितनी बार इन दोनों मार्केट में चोरों ने सेंध लगाई, हर बार डक्टिंग के द्वारा सील तोड़कर चोर दुकान में घुसे थे, लेकिन इस बार दुकानें के मुख्य द्वार को निशाना बनाकर शटर को किसी लोहे की रॉड से टेढ़ा कर सारे चोर अंदर घुसे। देर दोपहर तक पुलिस मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में लगी हुई थी। दूसरी तरफ शहर के दुकानदारों में इस घटना को लेकर फिर एक बार तीव्र असंतोष देखा जा रहा है। एक अंदाज यह भी व्यक्त किया जा रहा है कि बिजीलैंड और सिटीलैंड को बार बार निशाना बनाने वाले चोर आसपास के न होकर किसी बाहरी राज्य से आकर इन दोनों मार्केट को अपना निशाना बनाते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार हुई चोरियों की तरह इस बार की चोरी भी केवल पुलिसिया खानापूर्ति की तरह जांच पड़ताल में उलझ जाती है, या 12 दुकानों को एक साथ सेंध लगाकर बाहरी राज्य में फरार हो चुके चोरों तक पुलिस पहुंच पाती है। मैं मंडल न्यूज के लिए प्रशांत दुगले और फोटोग्राफर अक्षय नागपुरे, धन्यवाद।